समझते हैं रिएक्शन रेट को। हम सभी फेमिलियर हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें रिएक्टेंट एक दूसरे से क्रिया करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब मैं रिएक्टेंट को आर से डिनोट कर रहा हूं और प्रोडक्ट को पी से। जैसे जैसे रिएक्शन आगे की ओर को बढ़ती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता जाता है। निश्चित है रिएक्टेंट की मात्रा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। इसी प्रकार प्रोडक्ट की मात्रा में भी समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब एकांक समय में रिएक्टेंट की मात्रा में हुआ परिवर्तन या प्रोडक्ट की मात्रा में हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाता है, रिएक्शन रेट कहलाता है, अभिक्रिया की दर कहलाता है। तो इसको मैं परिभाषित कर दे रहा हूं, एकांक समय में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की सांद्रता, क्योंकि मात्रा मीन्स क्या होता है, सांद्रता। आप इससे फेमिलियर हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कई यूनिट्स भी आपने देखी हुई थी, सांद्रता की इकाइयां। तो हम यहां पर उसी को डिस्कस करेंगे। एकांक समय में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही क्या है, रिएक्शन रेट। अब डेफिनेशन हम समझ चुके हैं, अब इस परिवर्तन को कैसे हम शो कर सकते हैं इस पर आते हैं। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट चलें, मान लिया हमारे पास रिएक्टेंट है R, इसका प्रारंभिक सांद्रण है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास है R1, तो ये टाइम हो जाएगा आपका इनिशियली टाइम क्या होगा, 0। और ये प्रारंभिक सांद्रण R1 से घट करके अंतिम सांद्रण T समय पश्चात हो जा रहा है R2। तो देखिए ये दो डाटा हमें मिल गए, दो अलग अलग समयों पर हमने कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर लिया एक्सपेरिमेंटली, किसके, रिएक्टेंट के। तो हम इस टाइम पीरियड में होने वाले कॉन्सेंट्रेशन चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सांद्रता परिवर्तन हो जाएगा बराबर R2 - R1। इस सांद्रता परिवर्तन को हम बोलते हैं डेल्टा R। और इस सांद्रता परिवर्तन में लगा कुल समय क्या है, सांद्रता परिवर्तन में लगा समय हमारे पास हो गया T - 0 = T। इस केस में हमारा T हो रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगी, रिएक्शन रेट का मतलब हो जाएगा यूनिट समय में, इकाई समय में कितनी सांद्रता परिवर्तित। तो किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T से। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि देखिए R2 का मान R1 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि धीरे धीरे जब रिएक्शन आगे की ओर को बढ़ेगी, प्रोसीड करेगी, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट की मात्रा क्या होगी, घटेगी। तो डेल्टा R की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब चूंकि ये ऋणात्मक होगी और हम जानते हैं कभी भी रेट ऋणात्मक नहीं होता, तो इस ऋण चिन्ह को हटाने के लिए हम यहां पर नेगेटिव साइन को प्रदर्शित करें। तो ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस आपके समझ में आ गया होगा कि हम केवल नेगेटिव साइन इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। लेकिन प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर हम प्रोडक्ट के सापेक्ष किसी रिएक्शन के रिएक्शन रेट को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम पाते हैं, सपोज करें हमारे पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P1 है टाइम T1 पर और फाइनल कंसंट्रेशन P2 हो जाता है टाइम T2 पर। तो हमारा जो
कंसंट्रेशन चेंज है, सांद्रता परिवर्तन है, वो कितना हो जाएगा? पी टू माइनस पी वन। इसको किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा पी से। ये मोलर कंसंट्रेशन हम लेते हैं कंसंट्रेशन को, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा हुआ, डेल्टा पी हो गया। और ऐसे ही समय अंतराल, जिस समय में ये सांद्रता परिवर्तन हुआ है, वो क्या हो जाएगा? टी टू माइनस टी वन इक्वल टू डेल्टा टी। तो इसलिए रिएक्शन रेट किसके सापेक्ष? विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब यहां पर साइन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि पी टू हमेशा क्या होगा? पी वन से अधिक होगा। आई थिंक आप रिएक्शन रेट को समझ चुके हैं कि किस प्रकार रिएक्शन रेट को आप चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में डिनोट कर सकते हैं, और किस प्रकार रिएक्शन ऑफ वेट को आप प्रोडक्ट के चेंज ऑफ कंसंट्रेशन के टर्म में भी शो कर सकते हैं। आइए कुछ अभिक्रियाओं के उदाहरण लेकर के रिएक्शन रेट जानने की कोशिश करते हैं। इस क्रम में हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं एक ऐसी केमिकल रिएक्शन का जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? समान है। एग्जाम्पल के लिए हमने रिएक्शन ली है सी प्लस ओ टू इक्वल टू सी ओ टू। एक मोल कार्बन एक मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जितने समय में कार्बन का एक मोल डिकम्पोज हो रहा है उतने ही समय में ऑक्सीजन का एक मोल डिकम्पोज हो रहा है और एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम रिएक्शन रेट लिखना चाहें इस रिएक्शन के लिए, तो वो होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन पर यूनिट टाइम, दैट मींस माइनस ऑफ मोलर कंसंट्रेशन डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन ऑफ डेल्टा टी। इसी प्रकार जो कि ऑक्सीजन भी डिकम्पोज होगा, माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ओ टू अपॉन ऑफ डेल्टा टी। अब प्रोडक्ट चूंकि फॉर्म होगा तो इसलिए नेगेटिव साइन नहीं आएगा। अब CO2 के लिए हम लिखेंगे तो डेल्टा ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन डेल्टा ऑफ टी। अब यहां पर हम तीनों को इक्वल रख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भिन्न भिन्न हो, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं N2 प्लस 3S2 इक्वल टू 2NS3 रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखिए एक मोल नाइट्रोजन तीन मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर के दो मोल अमोनिया का प्रोडक्शन करता है। तो इस केस में नाइट्रोजन के डिकम्पोजिशन का रेट हाइड्रोजन के डिकम्पोजिशन रेट के इक्वल नहीं है, और ये दोनों ही अमोनिया के प्रोडक्शन रेट के इक्वल भी नहीं है। तो यहां पर रिएक्शन रेट को हम निम्न तरीके से शो करेंगे। तो रिएक्शन रेट हमारा हो जाएगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन। देखिए हमने लिखा माइनस ऑफ डेल्टा एन टू अपॉन डेल्टा टी, लेकिन ये इक्वल नहीं हो सकता रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन के, क्योंकि वो तीन गुना है। अगर इसके इक्वल रखना होगा तो हमें थ्री से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे डेल्टा एस टू अपॉन डेल्टा टी, लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे? अपॉन में थ्री। और अगर हम इसको इक्वेट करते हैं प्रोडक्शन रेट ऑफ अमोनिया के, तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा ऑफ मोलर कंसंट्रेशन चेंज ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी, लेकिन हमारे डिवीजन में क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर रिएक्शन रेट को हम प्रत्येक अभिकारक और प्रत्येक उत्पाद के टर्म में परिभाषित करें और इनको इक्वेट करें, तो हमें इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बेसिक डिफरेंस है और इसको आप आसानी से समझ सकते हैं
क्योंकि जितने समय में नाइट्रोजन का एक मोल डिकम्पोज हो रहा है उतने समय में हाइड्रोजन के तीन मोल डिकम्पोज हो रहे हैं, और चूंकि यहां पर नाइट्रोजन का एक मोल है तो उसके डिकम्पोजिशन का रेट क्या होगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन का 1/3 होगा। इसी प्रकार जितने समय में नाइट्रोजन का एक मोल डिकम्पोज हो रहा है उतने ही समय में दो मोल अमोनिया के उत्पादित हो रहे हैं, अतः जो डिकम्पोजिशन रेट ऑफ नाइट्रोजन है उसका आधा होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो इक्वल अगर हम इन्हें करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। आई थिंक आप सभी यहां तक समझ चुके हैं।